दूसरा भाई आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? एक जरूरी बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तो फिर ये छोटी बहन, मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र है, मुझे बात करनी है तुमसे। मेरी क्या फिक्र करेंगे आप, जबकि वो औरत हर वक्त आपके कान भरती रहती है मेरे खिलाफ। अब वो तो ऐसी कोई बात नहीं, और मैं बच्चा नहीं हूँ कि लोगों की बातों में इस तरह आ जाऊं। जो भी बात है, ये बात तो तय है कि मैं सिर्फ शादी करूंगी तो नदीम से, और ऐसा ही होगा चाहे कयामत क्यों ना आए। बहन, नदीम का पास मशकूक है, वो झूठ बोल रहा है तुमसे अपने बारे में। वो मुझसे झूठ बोलेगा? भाई उसे लड़कियों की कमी नहीं है जो वो झूठ बोल के मुझसे शादी करे। हाँ, लेकिन तुम जैसी लड़कियों की उसे कमी है जो इतनी बेवकूफ है कि उसके बारे में बगैर जाने हुए उससे शादी करने के लिए तैयार है। आप ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हैं? आप जानते हैं ना आपकी बातों का यकीन नहीं करूंगी मैं। प्लीज यूसरा, वो जो तुम्हें नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी दौलत के पीछे है। उसे मेरी दौलत की लालच है। क्या हो गया है भाई आपको? वो लंदन में रहता है, वहीं पढ़ा है, वहीं बड़ा हुआ है, ये बात तो जानते हैं ना। कमी है उसे, इसलिए तुम्हें सीढ़ी बना रहा है दौलत और जायदाद हासिल करने के लिए। और लंदन में रहने का ये मतलब नहीं है कि वो अमीर हो, ज्यादातर तो लोग वहां पे सिर्फ हैंड टू माउथ ही होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं, ठीक है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम उसे आजमा के देख लो। तो ठीक है फिर, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी कि नदीम इस घर, इस जायदाद, इस दौलत के बगैर भी मुझे एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ तो कहने में क्या है, झूठी कसमें तो वो खा लेगा, उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है उसके लिए। रहेगा वो फिर भी तुम्हारी दौलत के आसरे पर, क्योंकि उसका ना तो अपना कोई बिजनेस है ना फैमिली। इसे छूट देगा। तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मैं तो आपसे कह रही हूँ बस इंतजार करें। मैं आपको दिखा दूंगा कि नदीम इस घर को, इस दौलत को ठुकरा के मुझे एक्सेप्ट करेगा। You just wait and watch. अल्लाह।